हेलो एवरीवन, कैसे डबल हैं चाप आप चाह लोग? के आई होप बैठे सो के हैं। सब बहुत मज़े में होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आपने दोस्तों जो हमने सेव की थी फाइल, उसको खोल के देखा होगा, तो उसमें क्या आपको दिखाया होगा? टेबल विद कितना? टेबल टेबल विद 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्यों दिखाया 3 रोज एंड 3 कॉलम्स? क्योंकि एक रो जिसमें हमारी हेडिंग, 2 रो जिनमें 2 लोगों की डिटेल, और 3 कॉलम क्यों? क्योंकि नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और क्या था, एज, 3 कॉलम। इसलिए तो इस तरह आपको दिखाया होगा। और टेबल को नेविगेट करने की कमांड क्या होती है, आज मैं बता देती हूँ। चलिए हम खोल के देखते हैं। टेबल को हम ओपन करके देखेंगे तो उसमें दिखाएगा वेब पेज पे, जो भी हमारा करंट ब्राउजर रनिंग होगा उसमें, वो ब्राउजर में वो फाइल खुलेगी HTML की। और अगर आपने कल वाली टेबल बनाई है, उसमें दिखाएगा टेबल विथ 3 रोज 3 कॉलम्स। अब यहाँ ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखना है आपको, एक हाथ से ऑल्ट कंट्रोल को, राइट एरो से आपको कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलम 3 जो है एज, ये दिखाएगा। और आप जो साइटेड पर्सन या लो विजन पर्सन है, वो देख सकता है कि कॉलम रो में जो है ये हेडिंग है, ये अलग दिख रहा होगा, हाइलाइटेड दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा। स्टाइल भी हमने इसमें अप्लाई किया था, तो स्टाइल दिख रहा होगा किस टेबल में स्टाइल अप्लाई है। और इसी तरह फिर डाउन एरो कीजिए, फिर ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखिए, तो कॉलम 1 जो है क्या था हमारा, कॉलम 1 हमने जिसका भी नाम लिया था, किसका लिया था, केशव। और कॉलम 2 और कॉन्टेक्ट नंबर, फिर कॉलम रो 2 है ये ना, कॉलम 3 में उसकी एज। फिर हमने ऑल कं फिर डाउन एरो किया, फिर ऑल कंट्रोल को होल्ड करके रखा, कॉलम क्या है, कॉलम 1 शाहरुख, कॉलम 2 कॉन्टेक्ट नंबर, कॉलम 3 में जिसमें एज है, तो ये 3। तो टेबल को कमांड, टेबल को नेविगेट करने की कमांड क्या है, ऑल कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और एरो कीज का यूज करेंगे। बाज वक्त क्या होता है कि अप डाउन एरो करने से रो भी नेविगेट होती है, वरना राइट लेफ्ट एरो, राइट ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो से नेक्स्ट कॉलम, ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो से प्रीवियस कॉलम, लेकिन ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखना होता है, यही टेबल को नेविगेट करने की कमांड होती है। इवन में ये वर्ड में भी काम आती है। अच्छा, जब हमें कोई लाइन चेंज करनी होती है टेबल के अलावा, कोई डिटेल लिखनी, लाइन चेंज करने की क्या कमांड आपको बताइए, लेस बी आर ग्रेटर, क्या लेस बी आर ग्रेटर। और ये कभी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये भी आपको बताया था, ठीक है। कोई मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक पर क्रॉस लग जाए और सही वर्ड लिखें आप, तो पता चल जाए कि वो गलत था, ये सही है, तो उसके लिए क्या होता है, लेस डेल, जो भी आपका गलत वर्ड है उसके बाद आप क्या करेंगे, लेस डेल ग्रेटर, और फिर जो है सही वर्ड जो आपको लिखना है, जो आपकी गलती करेक्ट, मतलब करेक्ट वर्ड जो गलती थी वो तो छोड़ दीजिएगा, जो करेक्ट है, और फिर लेस लेस डेल ग्रेटर, ये दो टैग भी याद रखिएगा। और लिस्ट आइटम और UL और OL मैं आपको सब बता चुकी हूँ, ये सब आपको पता है। अच्छा, अब हमने टेबल को आपको जो भी आपको बताए हैं, आज मैं आज इसको बता रही हूँ, तो एक बार और टेबल के टैग रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा, टेबल का मैंने आपको क्या बताया, टेबल कैसे क्रिएट होगी, HTML टाइटल और बॉडी, ये 3 टैग तो HTML हेड टाइटल बॉडी, ये 4 टैग तो यूज ही होंगे। कौन सा, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये बार बार बताती हूँ मैं आपको। टाइटल में टैग, टाइटल टैग ओपन करने के बाद, टाइटल टैग ओपन करने के बाद टेबल लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, यानी टाइटल टैग जब आपने ओपन किया तो टेबल लिखा, इसको क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया, चौथा टैग बॉडी टैग। और यहाँ आप चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन दें, हेडिंग्स दें, एट्रीब्यूट अप्लाई करें, कुछ भी करें, पर मैं टेबल पढ़ा रही हूँ तो टेबल मैंने जल्दी करने के लिए, फिर मैंने बॉडी में कुछ और ज्यादा पहले ही बता चुकी हूँ, तो फिर वो सब इतना लंबा रिवाइज ना करवा के बॉडी टैग ओपन करके मैंने टेबल टैग ओपन किया, क्या दिया मैंने टेबल टैग, लेस स्लैश टेबल ग्रेटर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या दिया, रो टैग दिया, दूसरा लेस टी आर ग्रेटर, लेस टेबल ग्रेटर हो गया, लेस टी आर ग्रेटर। फिर मैंने हेडिंग वाले कॉलम्स बनाने के लिए हर कॉलम के लेस टी एच ग्रेटर और जितने कॉलम चाहिए पर वो हेडिंग लिखी, एक कॉलम की जैसे नेम था तो नेम लिखा, फिर लेस लेस टी एच ग्रेटर, फिर इसी तरह लेस टी एच ग्रेटर, और फिर हमने एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लेस लेस टी एच, मतलब जितने आपको डिटेल, जितनी हेडिंग डिटेल चाहिए उतनी हेडिंग्स, हर हेडिंग से पहले लेस
TH ग्रेटर, और हेडिंग के बाद लेस स्लैश TH ग्रेटर, फिर ये रो कंप्लीट हो जाएगी, जितने आपको कॉलम चाहिए उतने बन गए, फिर रो लेस स्लैश TR ग्रेटर, फिर अगेन आपको रो का टैग ओपन करना है, और रो का टैग ओपन करने के बाद क्या करना है, लेस TR ग्रेटर, हाँ मतलब ये रो जितने कॉलम बनाने थे बन गए, सबकी हेडिंग के बाद से कॉलम से पहले लेस लेस TH ग्रेटर, कॉलम के बाद लेस स्लैश TH ग्रेटर, फिर रो टैग को क्लोज कर देंगे, लेस स्लैश TH ग्रेटर, लेस की शिफ्ट कॉमा कमांड है, और शिफ्ट डॉट ग्रेटर की, शिफ्ट डॉट किसकी, ग्रेटर की, तो लेस स्लैश TH ये TR ग्रेटर, फिर अगेन रो का टैग खोलेंगे लेस TR ग्रेटर, और फिर लेस TD ग्रेटर, और हर हेडिंग जितनी दी है उनकी जो डिटेल होगी, जैसे नेम के नीचे नाम, कॉन्टेक्ट नंबर के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर, एज के नीचे एज, जो भी एड्रेस के नीचे एड्रेस, ईमेल आईडी के नीचे ईमेल आईडी, स्टेटस के नीचे स्टेटस, है ना, तो हर कॉलम की डिटेल, हर कॉलम की डिटेल लिखने से पहले लेस TD ग्रेटर, और डिटेल लिखने के बाद लेस स्लैश TD ग्रेटर, जैसे नेम लिखा है तो लेस TD ग्रेटर नेम, और लेस स्लैश TD ग्रेटर कॉन्टेक्ट नंबर है तो लेस TD ग्रेटर जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो, और लेस स्लैश TD ग्रेटर मतलब नेम का मतलब जो उसका जो नाम था, नेम तो एक हेडिंग डल गई, तो इसी तरह फिर जब एक बंदे की डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर लेस स्लैश TR ग्रेटर, और फिर उससे अगेन जो आपको रो बनानी है सेकेंड रो या थर्ड रो जो भी, तो फिर लेस स्लैश TR ग्रेटर करके, लेस स्लैश TR ग्रेटर करके इसको क्लोज करके फिर अगेन ओपन कीजिए लेस TR ग्रेटर, फिर दूसरे वाले बंदे की डिटेल दीजिए, तो जो भी डिटेल जो दी जाती है जिनमें, तो लेस TD ग्रेटर, और डिटेल कॉलम की डिटेल देने के बाद लेस स्लैश TD ग्रेटर, हेडिंग के लिए लेस TH ग्रेटर, फिर लेस स्लैश TH ग्रेटर कॉलम्स की हेडिंग देने के बाद, मतलब एक कॉलम की हेडिंग देने से पहले लेस TH ग्रेटर था, हेडिंग देने के बाद लेस स्लैश TH ग्रेटर, और डिटेल देने से पहले लेस TD ग्रेटर, डिटेल देने के बाद लेस TD ग्रेटर, और हर रो हर बंदे की जब डिटेल से पहले जब रो शुरू होती है लेस TR ग्रेटर, और जब उसकी डिटेल का लास्ट कॉलम होता है तो लेस स्लैश TD ग्रेटर के बाद लेस स्लैश TR ग्रेटर, फिर दूसरे वाले बंदे की डिटेल शुरू करने से पहले लेस TR ग्रेटर, और हर डिटेल के कॉलम से पहले लेस TD ग्रेटर, और फिर जो डिटेल लिखी वो उस लिख के, है ना, जो भी नेम के नाम है जो भी है, फिर लेस स्लैश TD ग्रेटर, फिर नंबर लिख के, फिर लेस नंबर लिखने से पहले लेस स्लैश लेस TD ग्रेटर, और नंबर लिखने के बाद लेस स्लैश TD ग्रेटर, फिर इस तरह एड्रेस लिखने से पहले लेस TD ग्रेटर, फिर एड्रेस लिखा लेस स्लैश TD ग्रेटर, है ना, तो इसी तरह क्या कहते हैं, क्या बोलता है, हाँ इसी तरह क्या होता है कि फिर मान लीजिए एज लिखनी है, तो एज जो भी है उससे पहले लेस TD ग्रेटर, एज लिखने के बाद लेस स्लैश TD ग्रेटर, हमेशा ओपन टैग में जो है लेस, और जो भी है आपकी टैग की हेडिंग वो, और ग्रेटर आएगा, और जब बंद करते हैं तो लेस के बाद स्लैश, और फिर जो हेडिंग है टैग की, और फिर उसके बाद ग्रेटर, और हर की बार डिटेल के बाद रो का टैग क्लोज होगा लेस स्लैश TR ग्रेटर, फिर अगेन ओपन होगा, इसी तरह ये सिलसिला चलेगा जितनी रोज आपको जरूरत है, जो लास्ट रो है फिर लेस स्लैश TR ग्रेटर करके लास्ट में हर रो का टैग ओपन होगा और क्लोज होगा, याद रखना हर कॉलम्स उसके डिटेल कॉलम्स से पहले ओपन होगा, डिटेल कॉलम्स के बाद एंड होगा, हर कॉलम से पहले जो डिटेल टैग है TD वो ओपन होगा, और हर डिटेल के कॉलम के बाद वो बंद होगा, लास्ट में लेस स्लैश टेबल ग्रेटर हो ये होगा, और जब आप इसमें स्टाइल अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, लेस जहां हमने लेस टेबल ग्रेटर जो दिया था जब टेबल शुरू कर रहे थे, तो ग्रेटर हटा के लेस टेबल रखें, फिर वहां पे आप क्या करेंगे, लेस टेबल करके लेस टेबल इक्वल टू कोट कोलन 100 100 लिखेंगे, ये जितना जितनी परसेंट आपको स्टाइल चाहिए वो उतना परसेंट लिखेंगे, और फिर परसेंट शिफ्ट 5 का निशान लगाएंगे, फिर कोट क्लोज करेंगे, फिर ग्रेटर लगाएंगे, तो इससे टेबल में स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, सेव करना आपको बताइए, प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीक हम मंडे में बॉर्डर लगाना सीखेंगे, दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।